रेडियो खांची 90.4 फोर पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना रेडियो खांची 90.4 पॉइंट हम सबका रेडियो में आपका स्वागत है मेरा नाम सतीश है गेस्ट फैकल्टी कोचिंग फॉर पुअर पी स्टूडेंट्स रांची यूनिवर्सिटी रांची आज के इस ऑडियो लेसन में हम पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के बीच में एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और इन दो टेंसेस के यूजर्स के बारे में पढ़ेंगे वी यूज द पास्ट परफेक्ट टू टॉक अबाउट अ पास्ट सिचुएशन और एक्टिविटी दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर पास्ट सिचुएशन और एक्टिविटी और बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम लोग ऐसे पास्ट सिचुएशन या एक्टिविटी के विषय में बात करने के लिए करते हैं जो किसी दूसरे पास्ट सिचुएशन या एक्टिविटी के पहले घटित हुआ हो या फिर पास्ट में किसी पर्टिकुलर समय से पहले घटित हुआ हो फॉर एग्जाम्पल जो डिस्कवर्ड दैट लेजली हैड लाइट टू हर जो को ये पता चला कि लेज्ली ने उससे झूठ बोला था तो यहाँ पे झूठ बोलने की जो घटना है वो पहले घटित हुई और पता चलने की जो घटना है वो बाद में घटित हुई इसलिए हम पता चलने की घटना के साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं और जो झूठ बोलने वाली घटना है जो पहले घटित हुई है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं एक बार फिर से सेंटेंस जो डिस्कवर्ड दैट लेजली हैड लाइट टू हर नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस एज मैरी शुक मिस्टर मॉर्गन्स हैंड शी रियलाइज्ड शी हैड सीन हिम बिफोर जैसे ही मैरी ने मिस्टर मॉर्गन से हाथ मिलाया मैरी को ये रियलाइज हुआ कि वो उनसे पहले मिल चुकी हैं तो इस एग्जाम्पल सेंटेंस में भी जो घटना पहले घटित हुई उसमें हम लोग हैड प्लस सीन यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं और जो घटना क्रोनोलॉजिकली बाद में हुई है उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं नेक्स्ट यूज वी यूज द पास्ट सिंपल रादर देन द पास्ट परफेक्ट व्हेन वी सिंपली टॉक अबाउट अ सिंगल एक्टिविटी और इवेंट इन द पास्ट लेकिन जब हम पास्ट की सिंगल एक्टिविटी या इवेंट की बात करते हैं तो हम सिंपल पास्ट का ही प्रयोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल आई हैंडेड द लेटर टू हिम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉरी वी आर लेट वी टुक द रोंग टर्निंग लेट अस नाउ सी अ डिफरेंस ऑफ मीनिंग वेन वी यूज दीज टू टेंसेज इन देंटेंसेज Notice the difference in meaning of these sentences with the past perfect and past simple. First one is When we stopped laughing, everyone left. This means they left after he stopped laughing. Second example When he stopped laughing, everyone had left. This means they left before he stopped laughing. Another example I got up when the phone rang. This means the phone rang and then I got up. Another example, I had gone to bed when the phone rang. This means I went to bed and then the phone rang. When we give an account of a sequence of past events, we usually put these events in chronological order with the past simple. If you want to refer to an event out of order, that is, it happened before the last event we have talked about. बी यूज द प्रजेंट परफेक्ट तो जब हमें भूतकाल की घटनाओं के सीक्वेंस का ब्यौरा देना होता है तो अमूमन हम इन घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल यानी कि काल क्रम के अनुसार रखते हैं अर्थात जो घटना पहले घटी है उसका ब्यौरा पहले देते हैं और फिर उस घटना का ब्यौरा जो पहली घटना के बाद घटित हुई उसी तरह अन्य घटनाओं के साथ भी करते हैं लेकिन यदि हम किसी घटना का ब्यौरा इस क्रम को तोड़ दें यानी कि अगर ऐसी घटना के बारे में बात करनी हो जो बोली गई या फिर लिखी गई अंतिम घटना से पहले घटी हो तो उस घटना के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के इन प्रयोगों को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल पैराग्राफ लेंगे पैराग्राफ में जब इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे तो सिर्फ सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा लेकिन जब भी इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली आउट ऑफ ऑर्डर होंगे तो उस इवेंट के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा डॉन जोसे वॉज ए वेल्दी क्यूबन लैंड ऑनर हु माइग्रेटेड टू मैक्सिको इनटीन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हैम इन दूनाइटेड स्टेट्स ही हैड मेड हिज फॉर्चून इन ग्रोइंग शूगर केन एंड ही ब्रॉट हिज एक्सपर्टीज To his new home the actual chronological order of events is first one made fortune second reforms began third emigrated to mexico fourth moved to us but in the paragraph the order of account was emigrated to mexico reforms had begun moved to us had made fortune next use we use the past perfect When वी से what वी wanted और होप्ड टू डू बट did नॉट तो यदि भूतकाल में हम किसी काम को करना चाहते थे या फिर लेकिन वो काम हो नहीं सका तो ऐसे में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैड वॉन्टेड टू विजिट द गैलरी बिफोर आई लेफ्ट फ्लोरेंस बट इट इज़ क्लोज ऑन सनडेज़ तो फ्लोरेंस छोड़ने से पहले मैं गैलरी विजिट करना चाहता था लेकिन संडेज़ को ये बंद होता है नेक्स्ट एग्जाम्पल बिल हैड होप्ड to retire at 60 but they persuaded him to stay on for a few more years bill uh, 60 ki umar mein retire hona chahte the lekin un logo ne unhe kuch aur saal kaam karne ke liye mana liya other verbs used like this include expect to mean to think about plus ing ठीक इसी तरह के uses हम in verbs के साथ भी कर सकते हैं expect to uh, mean to uh, think about plus gerund Next use is when we use a time expression, for example, after, as soon as, before, by the time, when, to say that one event happened after another. We use either the past simple or past perfect for the event that happened first and the past simple for the event that happened second. जब हम किसी टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं जैसे आफ्टर एज सुन एज बिफोर बाय द टाइम व्हेन, इनका प्रयोग यह बताने के लिए करते हैं कि एक घटना दूसरी घटना के बाद हुई तो ऐसे में पहली घटना के साथ हम पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन जो दूसरी घटना है उसके साथ हम सिंपल पास्ट का ही प्रयोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल आफ्टर इवान हैड फिनिस्ड रीडिंग ही पुट आउट द लाइट और आफ्टर इन फिनिस्ड रीडिंग ही पुट आउट द लाइट सेकेंड एग्जाम्पल वैन कैरोल हैड ब्रश्ड हर टीथ शी वेंट टू बेड और वैन कैरोल ब्रश्ड हर टीथ शी वेंट टू बेड तो ऐसे केसेज में हम लोग दोनों टेंसेज का प्रयोग कर सकते हैं सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट विदाउट एनी मच डिफरेंस इन द मीनिंग बट टू एम्फसाइज दैट द सेकेंड इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट बी प्रिफर द पास सिंपल फॉर बोथ लेकिन जब हमें इस बात पर जोर देना होता है कि जो सेकेंड इवेंट है वो पहले वाले का रिजल्ट है तो ऐसे केसेस में हम लोग दोनों ही जगह पे पास सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल शी बिकेम फेमस आफ्टर शी अपियर्ड ऑन द टी वी प्रोग्राम यहाँ पर दोनों ही क्लॉज में सिंपल पास टेंस का प्रयोग है नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक दिस इज वेन द टीचर कैम इन ऑल द चिल्ड्रेन स्टूड अप नेक्स्ट रूल इज विथ ऑलरेडी एंड जस्ट मीनिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम बिफोर वी यूज द पास्ट परफेक्ट नॉट द पास्ट सिंपल ये दो एडवर्ब ऑलरेडी और जस्ट के साथ जिसका मतलब है अ वेरी शॉर्ट टाइम बिफोर थोड़े समय पहले तब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे ना कि सिंपल पास्ट का फॉर एग्जाम्पल द फिल्म हैड ऑलरेडी बिगन बाई द टाइम वी गॉट टू द सिनेमा जब तक हम सिनेमा हॉल पहुँचे फिल्म शुरू हो चुकी थी नेक्स्ट एग्जाम्पल शी हैड जस्ट स्टेप्ड इन टू हर ऑफिस वेन द टेलीफोन रैंग उसने ऑफिस में कदम रखा ही था कि टेलीफोन की घंटी बज गई तो इन दो टेंसेस के बीच में जो सटल डिफरेंसेस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो इन दोनों के इन दोनों के यूजेज पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होने चाहिए तो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन दो टेंसेज़ के ऊपर बहुत सारे प्रश्न होते हैं और टेंसेज में अगर सबसे महत्वपूर्ण टेंस की अगर हम बात करें तो यही दो टेंस है इसके यूजेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्ज़ामिनेशन में पूछे गए हैं और आगे होने वाले एग्जामिनेशन में भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सवाल आएंगे तो इस ऑडियो लेसन के बाद आप कुछ एक्सरसाइजेज सॉल्व कीजिए आज के अंक में इतना ही थैंक यू वेरी मच